मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम छांव में रहो। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करें।